हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पे आज सुबह से ही मैंने सफाई का प्रोग्राम चालू कर दिया है, क्योंकि स्टोर वगैरह हो चुका था तो किचन साफ़ करना था। आज एक आंटी हैं, उनको बुला लिया था क्योंकि भाभी तो आती हैं लेट में, तो आंटी को सुबह से बुला लिया था कि सुबह का काम वो ख़त्म कर देंगी, जो बाकी धुलना वाला रह जाएगा छोटा मोटा वो भाभी आके कर देंगी। तो इधर मैं किचन पूरा खाली कर रही हूँ, जो मैट्स वगैरह हैं सब निकाल निकाल के सब आंटी को देते जा रहे हैं। तो मैं किचन का काम जो है ना खाली करते जा रहा हूँ, डिब्बे वगैरह, और आंटी बाहर बैठ के आराम से उनको सबको धुल के सुखा सुखा के मुझे देती जाएंगी। तो इसी टाइम इसको सेट भी कर देंगे किचन को। किचन खाली करने में लग रहा था बहुत थोड़ा काम है, और बहुत ज़्यादा था। जितने जाले वगैरह थे वो सारे हट छुटाए। जाले लग ही जाते हैं इस समय, बहुत लगते हैं जाले, पता नहीं क्यों। जाले का भी मौसम एक होता है, जाले लगते ही रहते हैं। तो इधर मैं चालू हो गई हूँ सफाई करने के लिए, क्योंकि मैं इधर किचन में सफाई पूरी ख़त्म कर दूँगी, तब तक चाची जो है ना सारे डिब्बे वगैरह धुल के ले आएंगे, सुखा के पहुँच पहुँच के लेके आती जा रही हैं। तो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, क्योंकि व्यस्त तो आजकल सभी होंगे, क्योंकि सबके घर में चल रही सफाइयाँ, तो आजकल सभी लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। सफाई क्या, 3 दिन से सफाई चल रही थी कल परसों, और मेरे को हो गया था इतना जुकाम कि न बोला जा रहा था, नाक एकदम बंद थी। अब तो काफ़ी सही लग रहा है। तो कल तो मैंने वीडियो नहीं बनाई बिल्कुल, क्योंकि जुकाम बहुत ज़्यादा था मेरे को। है बताया था ना आपसे कि धूल पता नहीं क्यों क्या हो गया है, ज़रा सा झाड़ू मार लो धूल लगी सोचो जुकाम हो गया, बहुत ज़्यादा जुकाम हो जाता है, उसकी वजह से होती है बहुत दिक्कत। 2 दिन से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बोला ही नहीं जा रहा था एकदम। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, क्योंकि व्यस्त तो आजकल सभी होंगे, क्योंकि सबके घर में चल रही सफाइयाँ, तो आजकल सभी लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। सफाई क्या, 3 दिन से सफाई चल रही थी कल परसों, और मेरे को हो गया था इतना जुकाम कि न बोला जा रहा था, नाक एकदम बंद थी। अब तो काफ़ी सही लग रहा है। तो कल तो मैंने वीडियो नहीं बनाई बिल्कुल, क्योंकि जुकाम बहुत ज़्यादा था मेरे को। है बताया था ना आपसे कि धूल पता नहीं क्यों क्या हो गया है, ज़रा सा झाड़ू मार लो धूल लगी सोचो जुकाम हो गया, बहुत ज़्यादा जुकाम हो जाता है, उसकी वजह से होती है बहुत दिक्कत। 2 दिन से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बोला ही। बाकी पूरा घर साफ हो गया है। एक दिन पूरा लग गया था स्टोर रूम करने में, पूरा दिन लग गया था उस दिन स्टोर रूम साफ करने में। उसी दिन से तबीयत गड़बड़ हो गई। दूसरे दिन मैंने फिर चाची को बुलाया था, वो आई तो उनको लगा के हम और दोनों लग के तब किचन साफ़ हुई, और बाकी जो था उसी दिन पूरा कल पूरा काम ख़त्म कर दिया था। आज जो है थोड़ा बहुत बचा था, आज उसको ख़त्म किया। उसके बाद अब लगेंगी लाइटें घर में, क्योंकि बच्चे हो गए बड़े, अब दोनों को लगाएंगे। पहले मेरा काम होता था लाइटें लगाना, अब जितने समय चाहत और विपिन दोनों मिलके उन्होंने जो है ना वो लाइट वगैरह की तैयारी करना है, क्योंकि कल है धनतेरस और कल विपिन चला जाएगा अपने गाँव, केवल चाहत भी चले जाएंगे शायद, कल चाहत भी चले जाएंगे गांव, क्योंकि चाहत दिवाली होली सब मेरी दादी के साथ मनाते हैं गांव में। हम तीनों यहाँ रहेंगे, चाहत मेरी दादी के साथ चले जाएंगे। कल शायद दादी उसकी आ जाएंगी लेने के लिए, उसको कल वो आएंगी तो उसको लेके गांव जाएंगी, क्योंकि ये दिवाली होली दोनों त्यौहार अपना गाँव में ही मनाता है, इसको गाँव में अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है। तो बाकी घर मेरा सारा साफ हो चुका है, और देखते हैं दोनों सब क्या कर रहे हैं। चाहत लोग लाइट वगैरह लगा रहे हैं, दिखाती हूँ आपको कैसे क्या बना रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। किचन भी मोरी मेरी जो है ना पूरी क्लीन हो चुकी है, किचन पूरी क्लीन कर दी थी उसी दिन। कल आंटी को बुलाया था तो आ गई थी, तो फिर हेल्प मिल गई, थोड़ा जल्दी हो गया था। तो पूरा किचन हमारा क्लीन है, सारी जो मैट वगैरह थी सारी धुल धुल के अच्छे से डालती थी, तो एकदम साफ है, इनको कुछ नहीं करना है। इधर पूरा किचन हमारा साफ हो रखा है, और इधर भी चाय बनी थी भगोना रखा है, क्योंकि क्या नाम भाभी अभी आएंगी देर से, तो बर्तन थोड़ा देर से निकालेंगे। बाकी पूरा किचन जो है ना वो साफ़ हो चुका है, देखिए पूरा किचन एकदम क्लीन है, बढ़िया हर तरफ से पूरा साफ़ हो चुका है, चमक चुका है किचन हमारा। और इधर ये भी पूरा साफ़ हो गया है, ये लाइटें लगाई उसने भगवान के कमरे में, अभी चेक कर रहे हैं दोनों। भगवान के कमरे की लाइट उसने लगा दी है, ये झालर पड़ी थी वो लगाई है, अब चाहत है सब काम करने लगा है, तो मैं फ्री हो गई हूँ। बाकी झालर वगैरह लगाई है, बाकी फिर जो तैयारी करेंगे बाद में दिखाऊंगी आपको। ये उनके रखे हैं सारे इंस्ट्रूमेंट, आरी और क्या नाम
पता नहीं क्या क्या जो उसको ज़रूरत है सारा निकाल के एक तसले में रख दिया है। तो इधर मेरा साफ पड़ा है, इसमें रखी है मूँगफली है, मैं छील रही थी, इतने दाने छील रहे थे, फिर उंगलियाँ दर्द होने लगी थी, छोड़ दी इनको, कुछ छील के रखना। करीब 3-4 किलो मूँगफली थी, सबको छील के मैंने रख दिया है। और इधर रूम भी पूरा सेट है, ये हमारा है बेड, ये भी साफ है, ड्रेसिंग भी साफ हो चुकी है पूरी। भगवान जी बढ़िया लग रहे हैं, क्लीन हो गए एकदम। इधर सोफा भी बिल्कुल साफ है, जितनी भी क्लीनिंग थी वो पूरी ख़त्म हो चुकी है। अब बाकी थोड़ा बहुत तो रहता ही है, हल्का फुल्का जो करना रहेगा रोज वाला वो हो जाएगा, बाकी सारा डन है, बाकी सारा काम ख़त्म हो चुका है। और बाहर अभी पड़े हैं कपड़े जो कि मैं उठाऊंगी थोड़ी देर में। ये देखो लाइट चेक हो रही थी ऐसे, यहाँ पे पेंच वगैरह सब रख गए ठोकने पीटने वाले, ये पूरी झालर फैला के गया है, अभी इसको लगाएगा। देखो कहाँ तक पूरी फैला के रखी है, पूरी फैला के गया है झालर, पता नहीं कहाँ चला गया। ये जल नहीं रही थी तो इसको बनाई है काट के, उसने बिगड़ गई थी कुछ, हो गया था कट गई थी कहीं से, तो इसको उसने बना ली है। अब आराम हो गई, मुझे नहीं करना पड़ता लाइट वगैरह काम, वरना मुझे ही लगानी पड़ती थी लाइटें, क्योंकि इनके पापा तो छूते नहीं बिल्कुल, लाइट का कोई काम वो नहीं करते, बहुत डरते हैं लाइट से, ना कभी वो झालर लगाएंगे ना बल्ब, कोई बल्ब अगर फ्यूज हो गया होगा ना तो पड़ा रहेगा, मगर वो लगाएंगे नहीं, लाइट से बहुत डरते, लाइट वाला काम नहीं करते जल्दी जल्दी से। तो अभी आके मैं करूँगी थोड़ी देर आराम, क्योंकि सारा काम करके गई हूँ थक, थोड़ी देर 10-15-20 मिनट लेटूँगी, उसके बाद फिर चाय पीऊँगी, तो उसके बाद आगे का काम करेंगे। थकावट लग रही है बहुत ज़्यादा, सभी लोग थके होंगे, एक तो 2 दिन से जुकाम था कसके, इस चक्कर में और दिक्कत हो गई, जुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है मुझे, पता नहीं क्या है, डॉक्टर तो बता डस्ट एलर्जी है, बता डस्ट एलर्जी रहेगी तो औरतों का तो काम ही डस्ट से खेलना, अगर डस्ट एलर्जी होने लगी तो फिर हो गए सारे काम, पर क्या करना तो वही है। जुकाम हो जाता है एक टैबलेट खा लो थोड़ा आराम मिलती फिर काम में लग जाओ। 3 दिन से बराबर सफाई 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 का काम चल रहा था, फाइनली आज पूरा काम ख़त्म हो गया। अब लाइट वगैरह आज लगाएंगे चाहत वो मुझे करना नहीं है, और कल है धनतेरस तो फिर कल जाएंगे सारी ख़रीदारी करने, क्योंकि धनतेरस वाले दिन ही क्या नाम मेरे यहाँ दियाली और क्या नाम गणेश लक्ष्मी, ये धनतेरस वाले दिन ही आते हैं, तो ये दोनों चीज़ें कर लेने जाएंगे। आज करते हैं आराम, इसमें रोज़ मार्केट भागना पड़ता है, कहीं कुछ लेने रहता है। चलिए तो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे। लेटी थी तब तक आ गया सब्जी वाला, और घर पे धनिया और अदरक बिल्कुल नहीं थी, ये सोचे लेटे रहना ले, फिर सोचे नहीं ले ले पता नहीं कल कोई आए कि ना आए, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे धनिया और अदरक लेने के लिए। चलिए अब बनाते हैं चाय, क्योंकि ये भी आ गए ऑफिस से, खुजला रहा है, फटाफट से बना लेते हैं चाय, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट काम है चाय, एनर्जी वाला ड्रिंक। चलिए बन गई हमारी चाय, तो आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए चाय हमारे साथ शाम की, टाइम हो गया है 6:15, अंधेरा हो गया है, ये भी आ गए तो बैठ के साथ में पीते हैं चाय। लो
आवाज़ तो तुम्हारी सुनाई हमको नहीं पड़ रही है, तो और दूसरा कैसे सुनता होगा इतना गला है। बढ़िया बना, आवाज नहीं निकल रही, इतना जुकाम है पूरा गला, आवाज ही नहीं हो रही है, काढ़ा पी रहे हैं दो दिनों से। तो अभी यहाँ ऊपर की लाइटें लग गई हैं, चार लोगों ने लगाई हैं, तो अभी मतलब यहाँ पे नहीं लगी है, ये देखो अभी यहाँ पे फैली हुई है, ये अभी चार लोग लगाएंगे थोड़ी देर में। तो अभी किस ज़्यादा किसी के यहाँ लगी है नहीं, आप लोग खुद देख सकते हो, उसके से सिर्फ उन आंटी के यहाँ लगी है बस। कहाँ मेरा हाथ जा रहा, सिर्फ उन वाली आंटी के यहाँ लगी है बस, बाकी अभी कहीं नहीं लगी है। तो बाकी अपना फ़र्ज है लगाना, तो लग जाएगी जल्दी। तो ऊपर वाली लग गई है, जल रही है, तो अभी जब आगे लग जाएगी तो हम आपको दिखा देंगे, वो अभी आधे या एक घंटे बाद लग जाएगी। तो चलिए सबसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद जब वो लग जाती है, वैसे अभी चार लेटा हुआ है, अभी वो लगाएगा नहीं। तो चलिए देखते हैं अंदर कौन कौन है, हमें मेरी बातें कर रही होंगी हमेशा की तरह। चलो उठाओ तुम लोग बोरी, दोनों लोग ले चलोगे। ये चावल खत्म हो गया था, तो चावल जा रहा है ऊपर, अभी दे गए हैं भैया दुकान वाले, और तोशी और विपिन दोनों पहलवान लेके इसको जा रहे हैं ऊपर। ये उबल गए हमारे आलू, तो इनका बनेगा भरता रोटी आज, है ना तोशी, तुम आटा लगा लो, हम भरता बना लें, ठीक। चलिए तो आलू फटाफट से छील लेते हैं और इसका बनाते हैं भरता, भरता और रोटी आज बनेगा, सिंपल खाना। यहाँ चल रहा टीवी और सब अपने अपने उसमें बैठे हैं। तो यहाँ पे बनाए हैं आलू का भरता, चटनी है, और ये है ग्लास। मम्मी मेरी बता रही टीवी की आवाज़ बंद करो तब बनाओ, लेकिन ना मुझे पता है पूरी आवाज़ सही आ रही होगी। और ये है दोपहर की खिचड़ी जो कि किसी ने खाई नहीं थी, वो रखा हुआ पानी। चलिए पूरा खाना लगा देते हैं फिर आपको दिखाते हैं। खाना पीना भी हो गया, अब हो गई लेटने की तैयारी, क्योंकि ठंडी लगने लगी है। अब तो पंखा धीमा करो भैया, तो ठंडी नहीं लग रही, वो देखो कम्बल ओढ़ के लेट गया। क्या हुआ हाँ, नींद आ रही, नहीं बोलेगा कुछ, गुस्सा हो क्या, क्या हुआ, ठंडी लग रही, पंखा इतनी तेज चला है, काफ़ी मौसम ठंडा हो गया। करते हैं बाकी सारा काम हो गया, माधव को सुलाएंगे, ये अभी माधव को सुलाना बाकी, बाकी सब कुछ हो गया है, लेटेंगे क्योंकि नींद लग रही, थकावट आ जाती है ना आजकल। नीचे एक बार जाके चेक कर लेते हैं बंद है, उसके बाद लेटते हैं। कहाँ गई, इनका देखो रात में चल रहा है प्रोग्राम, क्या हो रहा है इधर, वो गाड़ी भी है घूम कर रहे, चढ़ा रहे ना गाड़ी, इधर ये लोग अपने दरवाजे पे सजा रही, देखो तोरण लगा, सुंदर लग रहा है, अंदर से बाहर अच्छा लग रहा है, बाहर अच्छा लग रहा है हाँ, अंदर तो मंदिर तो लगी नहीं है, इधर वाले कुछ नहीं, इधर वाले अलमारी खाली, इधर अच्छा लग रहा है, सास सज्जा चल रही है रात में, अच्छा लग रहा है। लग गया, लग गया लाइट भी बंद कर दो,
आ जाओ। दिवाली की तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों पे। चलिए खाना पीना हमारा हो चुका है, अब करते हैं लेटने की तैयारी। सारा नीचे वगैरह जो भी लाइट वगैरह खुली थी सब बंद कर दिए, और जितने भी काम था क्लीनिंग सफाई सब हो चुकी है, पूरी काम ख़त्म हो चुका है। थकावट बहुत आ गई चुकी है। दोपहर में काम किया तो फिर केवल खिचड़ी बना ली थी, और शाम को आज बनाया था भरता चटनी और रोटी। आज सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा था, भरता रोटी की ओर बनाया था। सिंपल खाना कभी कभी मन करता है ना, एकदम सिंपल सा खाने का। चार को भरता रोटी बहुत पसंद है, मुझे भी अच्छा लगता है, और इनको कम पसंद है भरता रोटी, ये कम खाते हैं। और खा ली थी आज क्योंकि जब बनाई नहीं थी सब्जी तो खानी तो पड़ेगी ही। तो खाना पीना भी हो गया, किचन क्लीन कर दिया है, बाकी जो कुछ था सारा काम ख़त्म कर दिया। लग रही थकावट, फाइनली सारा काम ख़त्म हो गया। सफाई वगैरह का जितना था, लाइटें लग गई हैं बाहर की और अंदर की दोनों लगा दी है। चार और विपिन ने मिलकर पूरी लाइट लगा दी, क्योंकि कल ये दोनों चले जाएंगे। इससे अच्छा इसे पहले काम करा लो, ये रहता ना कोई जाए ना तो उससे पहले पकड़ लो उसको, काम पहले अपना ख़त्म करवा लो। तो ये मेरा काम भी हो चुका है। चलिए अब कल परसों से वीडियो अच्छे अच्छे आएंगे। कल तो शॉपिंग करने जाना पड़ेगा क्योंकि कल है धनतेरस, सामान वगैरह खरीदना है थोड़ा बहुत। और क्या नाम, गणेश लक्ष्मी कल ही आएंगे मेरे यहाँ, बुलाएंगे और धनतेरस में देखो क्या लेके आते हैं, देखते हैं क्या आता है। पहले खरीद लिया सब कुछ, बेड ले आए पहले, ड्रेसिंग पहले ले ली। अब कोई विषय, उसी दिन बहुत भड़बड़ रहता है कौन क्या सामान ले उस दिन। फिर तो रहता है सोना चांदी जिसको जो लेना है, एक सिक्का लेते हैं वही सिक्का केवल लाएंगे कल, और कुछ नहीं आएगा। चांदी का एक सिक्का धनतेरस में वही आएगा, जहाँ तक केवल सिक्का ही लिया जाएगा। हाँ बोल रहे हैं सिक्का ही लिया जाएगा। चलिए तो आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।